हेलो गाइस, आज हम सेल साइकिल का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, मियोसिस। ठीक है, सेल साइकिल का न्यू टॉपिक से हमारे पास मियोसिस, क्योंकि इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं माइटोसिस प्रोसेस। माइटोसिस हमारा कंप्लीट इसमें डिस्कस हो चुका है, एंड देन आई विल बी डिस्कस अबाउट द मियोसिस बाय संदीप राठौर सर। तो ये हम मेरे साथ आप जुड़े रहिए और हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक जो आज टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं मियोसिस, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए हुए हम इसका सेकंड पार्ट जो डिस्कस करते हैं वो स्टार्ट करते हैं। नाउ मियोसिस, मियोसिस होता क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था माइटोसिस। माइटोसिस मीन्स दैट इज़ द इक्वेशनल डिवीज़न। इक्वेशनल डिवीज़न इसमें जिसमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते। क्रोमोसोम जब सेल डिवीजन होगा तो क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, लेकिन मियोसिस जस्ट अपोजिट है। मियोसिस में क्या होगा, सेल डिवीजन के टाइम्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हाफ हो जाते हैं। ठीक है, एज ए रिजल्ट इसकी वजह से होगा क्या, जो प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड डॉटर सेल्स होगी, वो जो डॉटर सेल होगी वो हमारी क्या होगी, हैप्लोइड डिप्लोइड से हैप्लोइड कन्वर्ट होगी। ठीक है, मीन्स टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट इज़ कन्वर्ट इन टू एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मीन क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास मियोसिस का काम होता है डिप्लॉयड सेल को कन्वर्ट, डिप्लॉयड से जो बनेगी वो हैप्लोइड सेल्स बनेंगी, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इनके अंदर प्रेजेंट होगा। दे हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लोइड फेस ऑफ द लाइफ साइकिल। ठीक है, ये हैप्लोइड फेस प्रोडक्शन के लिए होती है, और ये फेस मोस्टली जो यूज होता है, जो फेस प्रेजेंट होता है मियोसिस, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा, जैसे गैमेट्स फॉर्मेशन के टाइम्स, ठीक है, गैमेटिक सेल्स फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, एग फॉर्मेशन के टाइम्स, तो जो प्रोसेस वर्क करती है दैट इज कॉल्ड मियोसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इवेंट्स विच अकर इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में दो इवेंट्स होते हैं। देखो, हमारे इवेंट्स बात करते हैं, टू सीक्वेंशियल साइकिल्स इन न्यूक्लियर एंड सेल डिवीज़न। इसमें दो फेसेस आएंगे हमारे पास, सेल डिवीज़न और न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। हम दो इसमें पढ़ते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। बट सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए होगी जो सिंगल साइकिल होगी, लेकिन जिसको हम मियोसिस फर्स्ट यूज़ करेंगे, मियोसिस सेकंड में हमारे पास मियोसिस सेकंड जस्ट लाइक ए माइटोसिस प्रोसेस, बिल्कुल माइटोसिस ही होती है मियोसिस सेकंड में। मियोसिस फर्स्ट हमारी रिडक्शन डिवीजन शो करती है, मियोसिस सेकंड डू नॉट शो रिडक्शन डिवीजन, बट दे प्रोड्यूस हैप्लोइड सेल टू हैप्लोइड सेल, इससे हैप्लोइड सेल से ही हैप्लोइड बनेंगे। एंड मियोसिस में क्या होगा, डिप्लोइड सेल टू फॉर्म हैप्लोइड सेल्स, एंड बोथ प्रोसेस अकर इन द मियोसिस। इट इन्वॉल्व द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इस फेस में हम लोग उसको क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ दैम। रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन मीन्स होता है टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्रोमोसोम्स आर कम्बाइंड, टू डिफरेंट वैराइटीज ऑफ क्रोमोसोम्स कम्बाइंड। एंड थर्ड स्टेप, फोर हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म एंड द एंड ऑफ मियोसिस सेकेंड। इस मियोसिस के सेकेंड के अंदर क्या होगा, जो नंबर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगी फोर होंगी। माइटोसिस में क्या होता था, माइटोसिस में नंबर्स ऑफ सेल्स टू प्रोड्यूस होती थी, इसमें फोर सेल प्रोड्यूस होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है मियोसिस एंड माइटोसिस के बीच में, याद रखना। माइटोसिस के अंदर हमने डिस्कस किया था, माइटोसिस हमेशा सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है, मियोसिस हमेशा सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग सेल्स के अंदर होती है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। माइटोसिस में नंबर्स ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होती है टू, लेकिन मियोसिस के अंदर नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस होंगी वो फोर होंगी। माइटोसिस के अंदर डिप्लोइड सेल्स बनती है, मियोसिस के अंदर हैप्लोइड सेल्स बनती है। ओके, नाउ वील कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ मियोसिस। मियोसिस माइटोसिस में इंटरफेस पढ़ लेता है, इंटरफेस में हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, इंटरफेस हमारा कॉमन ही होता है सभी के लिए, मियोसिस एंड माइटोसिस के लिए। बात करते हैं मियोसिस की, मियोसिस में दो फेस होते हैं, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। मियोसिस वन में हमारे पास कितने फेस होते हैं, प्रोफेस वन, प्रोफेस मेटाफेस वन, एनाफेस वन, टेलोफेस वन, एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस। एक बार रिवर्न करा देता हूँ, मियोसिस फर्स्ट, प्रोफेस सबसे बड़ा फेस होता है, किसका, मियोसिस वन का, लॉन्गेस्ट फेस कह सकते हैं इसको, दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द सेल साइकिल इन द मियोसिस प्रोसेस, बिकॉज दे कंटेन फाइव सब फेसिस इन द प्रोफेस वन, लैप्टोटीन, जैगोटीन, पैसिटीन्स, डिप्लोटीन्स एंड डाइकाइनेसिस।
दैट इज़ द फाइव इंपॉर्टेंट फेसेस इन द मियोसिस फर्स्ट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस इन द मियोसिस, क्योंकि इसी फेस में इस बार नीट के अंदर इसी फेसिस के से फोर क्वेश्चन पूछे गए हैं, फोर क्वेश्चन नीट के अंदर मियोसिस से पूछे गए हैं, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है मियोसिस है, तो इसमें जो डीपली पढ़ेंगे बिल्कुल वो पॉइंट्स मैं मेंशन कराऊंगा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड देन मियोसिस सेकंड, मियोसिस सेकंड में अगेन हमारे पास सेम ही फेस होते हैं, प्रोफेस सेकंड, मेटाफेस सेकंड, एनाफेस सेकंड, टेलोफेस सेकंड, एंड देन फाइनली साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या था, साइटोप्लाज्म का डिवीजन एज ए रिजल्ट टू हैप्लोइड सेल्स फॉर्म्ड, माइटोसिस के अंदर टू डिप्लोइड सेल्स फॉर्म, और मियोसिस के अंदर टू हैप्लोइड सेल्स फॉर्म्ड, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट में टू डॉटर हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म्ड, एंड द मियोसिस सेकेंड फोर डॉटर हैप्लोइड सेल्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे, ध्यान रखना मियोसिस सेकंड के अंदर फोर डॉटर सेल्स बनेंगी और वो भी हैप्लोइड बनेंगे, हैप्लोइड से हैप्लोइड बनेंगी, एंड द साइटोकाइनेसिस मियोसिस फर्स्ट के अंदर साइटोकाइनेसिस के अंदर होता है उसमें क्या होता है, डिप्लोइड से हैप्लोइड सेल्स बनेंगी, वो टू हैप्लोइड सेल्स बनेंगे। दैट इज़ द कंप्लीट फ्लो चार्ट ऑफ द मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। नाउ वी विल बी डिस्कस अबाउट द ऑल द फेसिस इन द मियोसिस, which events occur in the all the phases of the meiosis, ठीक है, just like prophase, metaphase, anaphase and telophase, okay, now let's go, we discuss about the one by one in the all phases of the meiosis. meiosis, meiosis में हमने बोला पहला हमारा क्या होता है, prophase, prophase में five phases थे, leptotin, zygotin, pachytin, diplotin and diakinesis. नाउ फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द लेप्टोटीन, लेप्टोटीन का यहाँ पर हमारे पास डायग्राम है, लेप्टोटीन, लेप्टोटीन ओवरऑल हम एक सेल सॉ आउट किया, क्रोमोजोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियर एनवलप, सेल मेम्ब्रेन एंड सेंट्रियोल, ठीक है। लेप्टोटीन फेस में क्या होगा, जो टू पेयर्स ऑफ सेंट्रियोल प्रेजेंट होती है, कहाँ पे, सेंट्रियोल, बोथ सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन द सिंगल पॉइंट्स, दे आर क्लोजली एसोसिएट विद टू ईच अदर्स, ठीक है। ना फर्स्टली जो क्रोमोसोम्स बीइंग डिस्टिंक्ट एंड विजिबल माइक्रोस्कोप्स, इस फेस में जो क्रोमोसोम्स को हम देख पाते हैं माइक्रोस्कोप से, क्रोमोसोम का यहाँ पे कंपैक्शन होता है कंटिन्यूसली थ्रू द लेप्टोटीन फेस, कंपैक्शन का मतलब होता है हमारे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स में इस तरह हमारे क्या होते हैं क्रोमोसोम्स यहाँ पे पड़े होते हैं, किस फेस के अंदर, लेप्टोटीन फेस के अंदर, ठीक है। दैट इज़ द बेसिक फेस ऑफ द सेल साइकिल, लेप्टोटीन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या होता है, कंपैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स कंटिन्यूस इन दिस फेस, ठीक है। एंड सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड हमारा होता है जायगोटिन, जायगोटिन, जायगोटिन में क्या होगा, पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम, हम लोग उस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होनी स्टार्ट होगी, जिसको बोलते हैं साइनेप्सिस प्रोसेस। साइनेप्सिस में क्या होगा, यहाँ पे आपको थोड़ा हल्का सा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स होंगे ना, क्रोमोसोम्स वो आपस में क्या होते हैं, पेयर बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। दैट इज द कंप्लीट पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम्स होंगे क्या होंगे, पेयरिंग होंगे, दैट इज प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि नेम द फेज इन विच साइनेप्सिस अकर, दैट इज द जायगोटिन फेज। द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, जिस तरह के क्रोमोसोम्स के अंदर पेयरिंग होती है वो होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जैसे मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, दैट इज द पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फाउंड बाय पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स की वजह से यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस की वजह से साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। दैट कॉम्प्लेक्स इज बाइवेलेंट या टेट्रावेलेंट, टेट्राड बोल देते हैं इसको, ठीक है। दैट इज द बाइवेलेंट या टेट्राड, ठीक है। जैसा कि इस डायग्राम में यहाँ पे रिप्रेजेंट है, दैट इज बाइवेलेंट या टेट्राड फॉर्म। साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, जायगोटिन के अंदर, क्लियर, ओके। नाउ नेक्स्ट फेज हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज पैचिटिन फेज, ठीक है। पैचिटिन फेज नेक्स्ट स्टेज, पैचिटिन फेज में क्या होगा, सबसे पहले जो सेंट्रो उसमें हमारे पास जो सेंट्रो सेंट्रियोल थे वो मूव करेंगे टू अपोजिट पोल्स, अपोजिट पोल की तरफ मूव करने स्टार्ट हो गए।
साथ में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट बिटवीन द नॉन सिस्टर्ड क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा, जैसे सपोज मानो हमारे पास क्रोमोसोम्स है तो ये हमारे क्रोमोसोम्स हो गए, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो गया इसके अंदर, ठीक है। एंड सेकेंड इज क्रोमोसोम, क्योंकि यहाँ पे दो पेरेंट्स से दो टाइप के क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, एक पेरेंटल क्रोमोसोम्स है, मेल से अलग है, फीमेल से अलग है, दोनों क्रोमोसोम्स की यहाँ पे क्या हो गई, क्रॉसिंग ओवर होना स्टार्ट हो जाता है, पेयरिंग होनी थी। इसके पेयरिंग का मतलब यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा और इसकी जो पेयरिंग होगी ओनली वन पॉइंट पे होगी, एक ही स्टैंड हमारा क्या होगा, पेयर होगा। जैसे यहाँ पे नजर आ रहा है, यहाँ पे दैट इज़ द कंप्लीट पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स एंड दिस पेयरिंग इज इंपॉर्टेंट वर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो इसी फेस में क्या होता है, पेसिटिन फेस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। क्रॉसिंग ओवर के लिए जो एंजाइम्स यहाँ पे यूज होता है, एंजाइम्स का नाम या इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है रिकॉम्बिनेज, ठीक है, जो एंजाइम्स यहाँ पे वर्क करेगा फॉर द क्रॉसिंग ओवर एंड एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल बिटवीन द टू सिस्टर क्रोमेटिड, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ठीक है, ओके। तो पेसिटिन स्टेज में सिंपल सा है, कोई ज़्यादा इसमें नहीं करना, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी सिस्टर क्रोमेटिड के, जैसे मैंने डायग्राम दिया हुआ, पेरेंटल क्रोमोसोम्स हैं बहुत मेल एंड फीमेल एंड द वन एंड वन आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर एक पॉइंट पे होता है, जैसा कि पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया है हुआ है, जैसा कि पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ था, यहाँ पे पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है, इसमें नेक्स्ट फेस हमारा जो आएगा दैट इज डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होगा, हमारा इससे पहले जो फेज था जिसका नाम कौन सा था, जायगोटिन फेज। जायगोटिन फेज में सबको पता था साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स हमारा बन गया, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था जायगोटिन फेज में, ठीक है। और इस बार जो नीट में पूछा गया था, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन किस फेज में होता है, 2000 के नीट में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो डिसोल्यूशन ऑफ साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स है वो किस फेज के अंदर होता है, दैट इज़ द डिप्लोटीन फेज, ठीक है। तो डिप्लोटीन फेस में यही होता है, जो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स बना था दैट इज कम्प्लीटली डिसोल्यूशन एंड द टेंडेंसी टू सेपरेट आउट द सिस्टर क्रोमेटिड, या कहते हैं बाई वेलेंट एक्सेप्ट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की साइट को छोड़ के जितना भी सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगे, सेपरेट होने स्टार्ट हो जाएंगे, एज अ रिजल्ट दे फॉर्म एक्सेप स्ट्रक्चर। और वो किस तरह की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक्सेप स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड चेसमेटा, जिसको नाम देते हैं चेसमेटा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेसमेटा किस स्टेज में बनता है, तो किस स्टेज में बनता है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर चेसमेटा की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। दैट यहाँ पे मेंशन है, डायग्राम में देख लेना, डायग्राम में कम्प्लीटली यहाँ पे मेंशन है, सारा चीज़ें मेंशन है, ठीक है। डिप्लोटीन स्टेज हमारी यहाँ पे कम्प्लीट होती है। नाउ वी विल डिस नेक्स्ट फेसेस। नेक्स्ट फेस हमारा आ जाता है जिसको बोल देते हैं हम डाइकाइनेसिस, एंड दैट इज द लास्ट फेस ऑफ द प्रोफेस वन। प्रोफेस का लास्ट फेस है, इसमें क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चेस्मेटा। चेस्मेटा का क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होता है, टर्मिनलाइजेशन, ठीक है। टर्मिनल यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे क्या होते हैं, स्पेंडल फाइबर्स फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सेंट्रोल की पेयरिंग क्रोमोसोम्स, टू सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए। यहाँ पे जो पेयर्स हमारे पास थे, जो चेस्मेटा था, जो चेस्मेटा एक्सेप स्ट्रक्चर जो बनी थी, उसका टर्मिनेशन प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के राउंड जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट थी वो कम्प्लीटली क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। न्यूक्लोलस क्या होगा, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, नज़र ही नहीं आएगा। किस केस के अंदर, डाइकाइनेसिस के अंदर, क्लियर। तो डाइकाइनेसिस के अंदर दैट इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, टर्मलाइजेशन प्रोसेस कहाँ पे होते हैं, किस फेज के अंदर होते हैं, दैट इज़ द डाइकाइनेसिस फेज। नाउ प्रोफेस हमारा कम्प्लीटली कवर्ड हो गया, उसके बाद बात करते हैं मेटाफेस। मेटाफेस अगेन हम माइटोसिस में पढ़ चुके हैं, मेटाफेस सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, जो बायवेलेंट क्रोमोसोम होंगे अलॉन्ग द इक्वेटर प्लेट, इक्वेटर प्लेट पे आ जाएंगे, तो इस तरह का इक्वेटर प्लेट बना लेंगे, ठीक है, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जो हमारे पास सेंट्रियोल प्रेजेंट है, हमारे पास जो क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, दे फॉर्म दे प्रोड्यूस स्पेंडल फाइबर्स एंड दिस स्पेंडल फाइबर्स अटैच टू द काइनेटोकोर पोर्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स के किस पोर्शन पे अटैच करेंगे, काइनेटोकोर फोर पे अटैच करेंगे एंड दे पुल द क्रोमोसोम टू द
टू डिफरेंट अपोजिट पोल्स की तरफ, ये क्या करेंगे इसकी तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे फॉर्म ए प्लेट जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। तो इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन कहाँ पर हो जाएगी, मेटाफेसिस के अंदर इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। दैट इज द कंप्लीट डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेटाफेस फर्स्ट। दैट इज ओ नो वन सेकेंड नेक्स्ट एनाफेस बोलो, ठीक है। एनाफेस वन के अंदर क्या होता है, एनाफेस वन के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है एनाफेस वन, इसमें क्या होंगे जो हमारे पास सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या होंगे सेपरेट आउट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये मूव करेंगे टू अपोजिट पोल ऑफ द क्रोमोसोम्स, ठीक है। क्रोमोसोम्स क्या होंगे अपोजिट पोल ऑफ द सेंट्रोमियर से अटैच होके, सेंट्रोमियर से वो क्या होंगे स्प्लिट आउट होके वो अपोजिट पोल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, क्लियर, ठीक है। एनाफेस में बस इतना ही होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होगा एनाफेस के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट फेस आ जाता है हमारे पास टेलोफेस। टेलोफेस फर्स्ट के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस ये कम्प्लीटली रीअपेयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। रीअपेयर यहाँ पे नज़र आ रहा है हल्का हल्का, देखो यहाँ पे न्यूक्लियर एनवलप बनना स्टार्ट हो गया, रिफॉर्म होना स्टार्ट हो गया यहाँ पे। साइटोकाइनेसिस फॉलोड, इसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या था कि हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड होता नज़र आ रहा होगा, तो मैं डिवाइड होता हल्का सा डिवाइड होता नज़र आ रहा होगा, क्लीवेज फॉर्मेशन यहाँ पे होती नज़र आ रही है। किसके केसेस में, इसी के केसेस में क्लीवेज फॉर्मेशन हमारी नज़र आ रही है, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड एज ए डायड ऑफ द सेल, इसको हम डायड ऑफ द सेल का फेस कह सकते हैं, स्टेज कह सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेज के बाद क्या होता है साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है और सेल का साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और सेल कम्प्लीटली टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन म्योसिस में एक सिंपल सा स्टेप ये, द स्टेज बिटवीन टू म्योटिक डिविजन्स कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। म्योसिस हमारा म्योसिस फर्स्ट एंड म्योसिस टू, इनके बीच का जो इंटरफेस होता है, इसके बीच का जो स्टेज होता है उसको बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ये शॉर्ट लिव्ड है और इसकी वजह से हमारा फेस प्रोफेस सेकेंड के अंदर हमारी साइकिल एंटर कर जाएगी, ठीक है। ये हमारा था म्योसिस फर्स्ट के अंदर, म्योसिस फर्स्ट और म्योसिस टू को सेकेंड को जो स्टेज आपन में जोड़ के रखती है दैट इज़ कॉल्ड इंटरकाइनेसिस स्टेज, ठीक है। और इसके बाद वो स्टेज हमारी किस में एंटर कर जाएगी, प्रोफेस सेकेंड मीन्स किसके अंदर, म्योसिस सेकेंड के अंदर एंटर हो जाएगी, दैट इज़ द म्योसिस सेकेंड। म्योसिस सेकेंड में ये शॉर्ट फेस होगा कंप्लीट, इसमें क्या होता है इसमें भी वो चार फेस होंगे, प्रोफेस मेटाफेस एनाफेस एंड टेलोफेस, प्रोफेस टू मेटाफेस टू एनाफेस टू टेलोफेस टू, ठीक है। ये फेस हमारा शुरू होता है इमीडिएट आफ्टर द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जैसे कंप्लीट होगी, सेल जैसे डिवीज़न हो गया, सेल डिवीज़न होकर हमारे पास दो सेल बन गई, ठीक है। जो सेल बनने के बाद तुरंत क्या होगा, इमीडिएटली क्या होगा, ये फेस म्योसिस सेकेंड हमारी स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होगा, बिफोर इलोंगेशन गेट क्रोमोसोम्स गेट इलोंगेटेड, क्रोमोसोम्स इलोंगेटेड हो जाएंगे। इसमें पहला फेस पढ़ लेते हैं प्रोफेस सेकेंड, प्रोफेस सेकेंड में अगेन वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर, क्रोमोसोम बिकम कॉम्पैक्ट, जैसा कि हमारे जितने भी प्रोफेस में सभी के अंदर ये सेम प्रोसीजर है। उसके बाद मेटाफेस सेकेंड स्टेज में मेटाफेस प्लेट बननी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्रोमोसोम इक्वेटर लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है, जिनको हम बोल देते हैं मेटाफेस प्लेट, ठीक है। ये हम पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है, मेटाफेस में कॉमन है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। फिर उसके बाद है एनाफेस। एनाफेस स्टेज में क्या होगा, क्रोमोसोम हमारे पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, स्प्लिट होने स्टार्ट होंगे, सेंट्रोमियर से स्प्लिट आउट होंगे क्रोमोसोम, स्प्लिट होकर मूव करेंगे टूवर्ड्स द अपोजिट पोल, ठीक है, अपोजिट पोल की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। आफ्टर द स्प्लिटिंग, स्प्लिट होने के बाद किस फेस में, एनाफेस सेकेंड, ठीक है। एंड फाइनली हमारा आ जाता है इसमें टेलोफेस सेकेंड। टेलोफेस सेकेंड में क्या होगा, टेलोफेस सेकेंड में हमारा जो क्रोमोसोम्स है वो अनक्लोज हो जाएंगे, ठीक है, या इसमें हम अगले स्टेप में देख लेते हैं इसमें क्या होता है, ठीक है। तो इसके केसेस में सिंपल सा है, हमारा जो क्रोमोसोम्स होंगे टेलोफेस में क्या होगा, क्रोमोसोम्स हमारे बिल्कुल सेपरेट आउट हो जाएंगे। इसके जस्ट बाद हमारा क्या होगा, जो सेल्स हैं वो कम्प्लीटली डिवाइड होने स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ पे साइटोकाइनेसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, दैट इज ये कम्प्लीट स्टेप ऑफ साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस।
तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट हो गई। इसकी वजह से जो हमारे पास दो सेल बनी थी मियोसिस फर्स्ट के अंदर, ठीक है, दोनों सेल अगेन डिवाइड होंगी, टू टू सेल्स में कम्प्लीटली डिवाइड होंगी। जो मियोसिस सेकेंड हमारा, इसको हम सिंपल सा कहते हैं, दैट इज मियोसिस सेकेंड, सेम एज किसकी तरह होगी, एम फेस, माइटोटिक फेस की तरह, माइटोसिस, ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह होती है। बस डिफरेंस यहाँ पे क्या आएगा, डिफरेंस यहाँ पे है कि इसमें जो हमारे पास सेल्स होंगी वो हैप्लोइड होंगी। सेल्स क्या होंगी, हैप्लोइड्स होंगी, एंड हैप्लोइड सेल फॉर्म टू हैप्लोइड डॉटर हैप्लोइड सेल, इससे जो बनेंगी वो हैप्लोइड सेल बनेंगे, डॉटर हैप्लोइड सेल बनेंगे। क्लियर, मीन्स एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम से एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम ही बनेगा मियोसिस सेकेंड के अंदर, और मियोसिस फर्स्ट के अंदर टू एन नंबर ऑफ क्रोमोजोम, टू एन नंबर ऑफ द सेल कन्वर्ट इन टू एन नंबर ऑफ द सेल, एंड एन नंबर ऑफ द सेल कम्प्लीटली डिवाइड इन टू टू एन 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 नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, दैट इज मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड दैट इज मियोसिस सेकेंड। क्लियर, तो ये मियोसिस फर्स्ट होगा और ये मियोसिस सेकेंड होगा। मियोसिस प्रोसेस के अंदर कितने नंबर्स ऑफ हमारे पास क्रोमोजोम्स, कितने नंबर्स ऑफ सेल्स बनती है, फोर सेल, कितनी सेल्स बनेंगी, फोर सेल्स, और ऑल सेल्स आर हैप्लोइड, ऑल सेल्स क्या होंगी, हैप्लोइड्स होंगी। ठीक है, एंड फाइनली हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मियोसिस, मियोसिस के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। माइटोसिस के हमने सिग्निफिकेंस कर चुके हैं, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, सोमेटिक सेल्स में जो डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस प्रोसेस, एंड मियोसिस में क्या होता है, ये जो डिवीजन होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फॉर प्रोड्यूस, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गैमिट्स। ठीक है, जस्ट लाइक से एग्स, या हम बात करें स्पर्म, एग्स की फॉर्मेशन की बात करें, स्पर्म जो बनते हैं वो गैमिट सेल से गैमिट सेल होती है, और ये किसके थ्रू बनेंगे, ये हमारा मियोसिस प्रोसेस के थ्रू बनेंगे, क्योंकि बोथ आर हैप्लोइड, एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनके अंदर। क्लियर, क्रॉसिंग ओवर इंड्यूस न्यू रिकॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट, यहाँ इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर का मीन्स क्या होता है, टू डिफरेंट पेरेंट, टू डिफरेंट क्रोमोसोम्स आर एक्सचेंज द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन दैम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो क्रोमोसोम्स होंगे वो अपना जेनेटिक मटेरियल यहाँ पे एक्सचेंज करेंगे एंड टू प्रोड्यूस ए न्यू ट्रेट दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, न्यू ट्रेट की फॉर्मेशन होगी, उसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। मीन्स जो जनरेशन के अंदर, जो न्यू जनरेशन के अंदर जो क्रोमोसोम्स आएंगे, उनके अंदर क्रोमोसोम्स के अंदर क्या होगा, बहुत पेरेंट्स के करेक्टर उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। थर्ड, दे हैव टू मेंटेन द क्रोमोसोम नंबर बाय ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गनिज्म, ये क्या करेगा, ये क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करेगा किसके अंदर, सेक्सुअल प्रोड्यूसिंग ऑर्गेन्स के अंदर। यदि इस स्टेज के अंदर क्रोमोसोम्स में कोई भी एबनॉर्मलिटीज आती है तो दैट इज़ द जेनेटिक डिसऑर्डर। इस केस में क्या होगा, एबनॉर्मलिटी आती है, एबनॉर्मलिटी केसेस पे जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम पढ़ते हैं, जो हमने सुने हुए हैं, जितने भी, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, बहुत आर जेनेटिक डिसऑर्डर विच अकर ड्यू टू द abnormality in the meiosis process, that is a non-disjunction process at the time of chromosome separation. ठीक है, तो meiosis का काम यही होता है कि they have to maintain the chromosome number in the sexual reproducing organism. And finally, fourth point, they have to provide evidence on the basis of the relationship of the organism. Organism के अंदर ये पहचानने के लिए क्या relationship find out करेंगे, that organism are formed which type of organism. ठीक है, किस तरह के ऑर्गेनिज्म से ये ऑर्गेनिज्म बना है। ठीक है, क्योंकि उनके जो जेनेटिक करेक्टर्स होंगे, किस जेनेटिक मटेरियल होगा, क्रोमोसोम होंगे, किस एनिमल से उसके अंदर एंटर हुए हैं। ठीक है, तो उसकी स्पीसीज को फाइंड आउट करना, या उसके बारे में उसकी नेक्स्ट जनरेशन को फाइंड आउट करना, उसकी उसके पूर्वज जो हम बोलते हैं, जिनको जो पूर्वज के बारे में नॉलेज रखना, उसके बारे में कंप्लीट एविडेंस जो देता है वो मियोसिस है। ठीक है, एंसेस्टर जो उनके होते हैं उनके बारे में कंप्लीट एविडेंस बताना, ये किसका सिग्निफिकेंस है, मियोसिस का सिग्निफिकेंस है। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज़ द कंप्लीट टॉपिक्स एंड द कंप्लीट टॉपिक्स ऑफ मियोसिस। तो हमने आज जो कंप्लीट हमारा ये लास्ट वीडियो था, इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस कंप्लीट, एंड उससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या है, इंटरफेस कंप्लीट किया है। तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन हमने कंप्लीट थ्री वीडियोस में, मैंने कंप्लीट सेल साइकिल सेल डिवीजन कंप्लीट
करा दिया, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो जिसको भी सेल साइकिल के बारे में कुछ भी डीपली पढ़ना है तो हम इस वीडियो को लास्ट, हमारे इससे पहले वाले वीडियो को हमारी प्ले लिस्ट में जाइए, चैनल्स में प्ले लिस्ट में जाइए यूट्यूब में, और वहाँ से इन तीनों वीडियो को देख के अपना ये चैप्टर्स कम्प्लीटली इसके कंसेप्ट क्लियर कीजिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगेन यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे इसलिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ठीक है। और मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट से लेके ऑल नोट्स, ऑल नॉलेज मैं आपको 11th प्लस 12th की दोनों दूंगा। अभी फ़िलहाल मैंने 11th के वीडियो बनाने स्टार्ट किए हैं, उसके बाद मैं 12th के भी अभी स्टार्ट करने वाला हूँ। 12th के हम स्टार्ट करेंगे पहले ही चैप्टर से, ठीक है। तो वेट एंड वॉच एंड थैंक्स।